तुझे जिस चीज की उम्मीद ज्यादातर लोगों ने इस सीरीज के शुरू होने से पहले की नहीं थी, आज आपको वो होते हुए नजर आई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। पाकिस्तान ने अपनी विकेट का प्राइस लगाया है, इजीली अपनी विकेट्स नहीं दी हैं। वी रियली अप्रिशिएट द बैटिंग ऑफ इमाम उल हक, जिस तरह से बैटिंग की, लेकिन जिस चीज का डर था उसको ओवरकम कर गया। अच्छा रेसिस्टेंस दिखाया कम से कम पाकिस्तान से, आप ये बोल सकते हो। नो डाउट जिस हिसाब से पाकिस्तान ने आज का भी अगर दिन उठाओ स्टार्ट जो होता है, अगर ये वहां पर अपनी विकेट ना देता आज का दिन पाकिस्तान के नाम पे था, बिकॉज हक्के पक्के रह जाते ऑस्ट्रेलियंस कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ, तो पूरा दिन निकाल गए। सामने क्रम पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे दिन का खेल अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने आज अच्छी फाइट दिखाते हुए 53 ओवर्स खेले, जिसमें 132 रन्स बनाए। अनफॉर्चुनेटली आखिरी ओवर्स में शान मसूद, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन है, वो स्टार की गेंद पर आउट हुए, कॉट बिहाइंड हुए। 30 रन्स बनाए उन्होंने, जबकि इमामुल हक 38 रन्स पर अभी भी खेल रहे हैं। 132 रन्स पर दो खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान को अब भी एक लंबा चेस करना है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने आज बैटिंग की, धीमे अंदाज से घेरे, लेकिन एक अच्छी फाइट दिखाई, अच्छा कमबैक करार दिया जा रहा है। इस वक्त भी मैच 50-50 सिचुएशन पर है। आज जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 487 रन्स बनाए, तो उस वक्त हमारे अपोनेंट यानी भारत का मीडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान आसानी ये मैच हारेगा, कोई फाइट नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि एक पहाड़ जैसा टोटल है उनके सामने। जबकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में मिचेल स्टार्क हो, जोस हेजलवुड हो, या फिर नेथन लायन, वो ये सब अच्छे बॉलर्स हैं, वो पाकिस्तान को जल्द चलता कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की अच्छी फाइट पर अब उनका क्या रदमल है, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तुझे जिस चीज की उम्मीद ज्यादातर लोगों ने इस सीरीज के शुरू होने से पहले की नहीं थी, आज आपको वो होते हुए नजर आई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि हाँ यार, आज के पूरे दिन में ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ही वो चीज है जो आज आपको शायद थोड़ा सा सर्वाइव करते हुए नजर आई है, बिकॉज पाकिस्तान ने अपनी विकेट का प्राइस लगाया है, इजिली अपनी विकेट नहीं दी है। वी रियली अप्रिशिएट द बैटिंग ऑफ इमाम उल हक, जिस तरह से बैटिंग की, क्योंकि जब इमाम इस सीरीज में एंटर कर रहे थे, सभी सीनियर बैटर्स में से इमाम के ऊपर सवाल थे, भाई इमाम की फॉर्म नहीं है, इमाम की विकेट वॉकिंग विकेट होगी, बहुत इजीली आउट हो जाएगा। बट यस, इमाम ने बस वो एक शॉट लगाया था, आगे बढ़ के कोशिश की थी नेथन लायन को। उसके अलावा इन्होंने दिखाया भाई टेस्ट क्रिकेट को, अब टेस्ट क्रिकेट कहते क्यों है, क्योंकि टेस्ट इस खिलाड़ी ने आज किया है, खड़े रहे पिच के ऊपर, विकेट नहीं दिया। पाकिस्तान दिखा तो रहा है कि ये इस टेस्ट मैच में फाइट कर रहे हैं, बिकॉज 53 ओवर्स 132 पर दो, अगर आप 487 के पीछे जा रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत। और अभी आपके पास नाइट वॉचमैन आ गया है, मींस बाबर का विकेट दिखा देना, आयुष स्कोर कार्ड दिखा देना। अब देखिए इसमें विश्लेषण करेंगे और फेयर बात करेंगे, ठीक है ना। कल मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपने कल स्पोर्ट्स यानी पोस्ट मैच देखा होगा लाइव, तो मैंने यही बोला था कि पाकिस्तान को चाहिए पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप। मैं ज्यादा लालच नहीं कर रहा था, मैंने बोला 50 रन की दे देना, चलो 50 से ज्यादा की होगी, है ना। फिर मैंने बोला कि जो एक ओपनर और नीचे से बाबर या शान, जो भी 100 रन की पार्टनरशिप दे देना। शान की पार्टनरशिप लगी, नहीं हो पाया, लेकिन इमामुल हक अभी भी खेल रहा है, अब बाबर ने आना है। एक्चुअली नाइट वॉचमैन को नहीं भेजना चाहिए था, बाबर को ही भेजना चाहिए था, थोड़ा पॉजिटिव साइन रहता, लेकिन चलो तुमने दो ओवर के लिए भेज दिया, कोई बात नहीं, वो भी थोड़ा सा टिक गया। कल वो आउट होगा, तीन आउट हो जाएंगे। मैं बड़ा नेगेटिव, हमेशा मेरे को तो बड़ा नेगेटिव लगता है नाइट वॉचमैन को भेजना, इस कंडीशन में तो नहीं था बनता। अच्छा, पाकिस्तान आज का दिन कैसा किया उन्होंने, आप अगर देखिए, अब्दुल्ला शफीक भाई बढ़िया खेल के गया, क्या प्रॉब्लम है, 121 बॉलों में 42 रन, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम है उस लिहाज से, लेकिन 34 की स्ट्राइक रेट नो प्रॉब्लम, चला गया, आउट हो गया वो अलग बात है, लेकिन खेला जब तक खेला बढ़िया खेला। इमामुल हक अभी बैटिंग कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट भूल जाओ, ये थोड़ा सा पुजारा वाला रोल प्ले कर रहे हैं कि बॉलर्स को थकाने वाला रोल, ठीक है ना, तो इनके बारे में बात करता हूं। अब शान मसूद आया, वन शॉट टू मेनी, इसकी ऑलमोस्ट 70 की स्ट्राइक रेट से ये खेला है, पांच चौके मारे हैं, गलत टाइम पे आउट हो गया, दो तीन ओवर बचे हुए थे। अगर ये वो ओवर निकाल जाता जो स्टार्क की बॉल पे ये फिशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये मरवा गया। अगर ये वहां पर अपनी विकेट ना देता आज का दिन पाकिस्तान के नाम पे था, बिकॉज हक्के पक्के रह जाते ऑस्ट्रेलियंस कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ, तो पूरा दिन निकाल गए। शफीक को, चलो शफीक को लायन ने आउट कर लिया, वरना तो पेसर किसी को विकेट ही नहीं मिल रही थी। स्टार्क ने विकेट कब लिया, एंड में जाके विकेट लिए, मान लिया कि रन रेट जो है वो ढाई की है, इतनी अच्छी नहीं लगती, इतनी खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन भाई ये हमने देखा हुआ है पहले भी, इंडिया के साथ भी ये हुआ है कि कुछ प्लेयर्स वहां पे खूटा गाड़ के बैठ जाते हैं और कुछ प्लेयर्स आके एक्सेलरेट करते हैं। अगर इमाम ने 27 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो मसूद 70 की स्ट्राइक रेट से खेल कर गया है। सारा का सारा ये मैच अब आके डिपेंड करेगा बाबर आजम करेगा क्या। बाबर आजम इन कंडीशंस में, और कोई इतनी मुश्किल कंडीशन नहीं है, अगर इमामुल हक वहां पे खड़ा रह सकता है, अगर अब्दुल्ला शफीक वहां पे 42 बना सकता है, अगर मसूद आके शॉट्स खेल के 70 की स्ट्राइक रेट से 30 रन बना सकता है, क्विक फायर 30, हालांकि मसूद को ना 50 प्लस करना चाहिए था, ज्यादा लंबी पारी खेलनी चाहिए थी, 100 बना के आ रहा था प्रैक्टिस गेम में। लेकिन आज का ओवरऑल दिन देखेंगे धीरज भाई, तो अगर वो शान मसूद की विकेट नहीं जाती वहां पर, आई थिंक कप्तान भी है और बड़े पॉजिटिव इंटेंट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करी थी, और जो हम देख भी रहे थे कि लगातार इमाम को भी पुश कर रहे थे कि भाई सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करो, जहां पर रन दिख रहे तो उनकी अप्रोच बड़ी सही थी, लेकिन वहीं पर एक आउटसाइड है, तो स्टार्क में वो आखिर में दो तीन ओवर बड़े अच्छे डाले, इमाम को भी बड़ा बीट किया था,
स्थिति यह है कि पाकिस्तान 132 पर दो है, जो शायद एक हो सकता था, जो हमने देखा कि आखिरी का 30 मिनट या 40 मिनट बचे थे जब शान मसूद आउट हुए। 132 पर दो, इमाम उल हक जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, खूटा गाड़ के बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जरूरत ही होगी कि पाकिस्तान को कि यहां से शतक लगाएं बड़ा। 38 रन नॉट आउट है 136 गेंदों पर। अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने बड़ी अच्छी स्टार्ट करी थी, पॉजिटिव लग रहे थे, 42 रन 121 गेंदों पर। नेथन लाइन का वो शिकार हुए जो कम बैक कर रहे हैं, और खुर्रम शहजाद एज ए नाइट वॉचमैन अभी आए हैं। ओवरऑल आप पिक्चर देखोगे तो अभी ऑस्ट्रेलिया गेम में आगे है, 355 रन जो है पाकिस्तान पीछे है, लेकिन जिस चीज का डर था उसको ओवरकम कर गया। अच्छा रेसिस्टेंस दिखाया कम से कम पाकिस्तान से, आप ये बोल सकते हो। नो डाउट जिस हिसाब से पाकिस्तान ने आज का भी अगर दिन उठाओ स्टार्ट जो होता है उसमें बैटिंग स्टार्ट होती है एलेक्स कैरी की और मिच मार्श। मिच मार्श भी आज बहुत अनलकी रहे कि 90 के स्कोर पे आके जिस हिसाब से बोल दो क्या होंगे, क्योंकि खेलने का तरीका उनका वैसा था, सॉल्व कर सकते थे, बट वो था कि उनको ये पता था कि वो नीचे बैटिंग कर रहे हैं और उनके जितने रन एड ऑन होंगे क्योंकि हमने एशेज भी उनके साथ देखा। बट अगर आप पाकिस्तान की टू बी ऑनेस्ट बात करो, दो विकेट गिरे 132 पे इन ऑस्ट्रेलिया, आपको देख के ठीक लग रहा है ये कि जिस हिसाब से इमाम उल हक बैटिंग कर रहे हैं नो डाउट थोड़ा उनका रहता है, पर वो डॉम सिबली की कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं ठीक है, बट आपको टेस्ट क्रिकेट में ये जरूरी है। और ठीक है, आपने एक साइड खूंटा गाड़ रखा है मेरा, मैं स्टार्ट में देख रहा था, स्टार्ट में जब दोनों आए थे और अब्दुल्ला शफीक आए थे, अब्दुल्ला शफीक फिर भी थोड़ा बाउंड्रीज के जा रहा था स्टार्ट में, इसी चक्कर में काफी थोड़ा सा ऐसा होता था कि लग रहा था कि भाई ये एज जा सकता है, पुल भी कौन करने, लेकिन देखो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा क्या बात करते हैं, जो फर्क भी रहता है कि जो आप इंग्लिश कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में कुकर इस्तेमाल होता है तो आप सबको पता है कि 20-25 ओवर के बाद उसका सीन धीरे धीरे थोड़ा सा फ्लैट होने लगता है। हालांकि इस विकेट पर आपको उछाल जो आखिर में देखा कि इमाम जिस बॉल पर बीट हुए थे स्टार्ट की, वो बाउंस देखो किस तरीके का है, मूवमेंट फिर भी आपको देखने को मिला कि लगातार चैलेंज कर रहे हैं। बट 36.2 यहां पर पहले विकेट गिरी पाकिस्तान की, जो अब्दुल्ला शफीक आउट हुए तो एक अच्छी साझेदारी लगी 74 रनों की। फिर शान मसूद भी आए, उन्होंने जो है गेम को आगे देखे, और शायद शान मसूद अगर प्रेजेंट होते, ये नहीं कि वो कप्तान है और रन उन्होंने बनाने थे, बट जिस अंदाज में वो खेल रहे थे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो प्रेशर डालने वाली चीज जो रहती है, क्योंकि इमाम एक एंड पर बड़े ही आराम से खेल रहे हैं, उनको है कि मुझे टाइम बाय करना है। शान मसूद जो पार्टनरशिप लगा रहे थे, लेकिन इससे पहले दिलीप भाई जो आपने बल्लेबाजी की बात करी ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर भी जो है कि आज पाकिस्तान के लिहाज से आप देखेंगे तो डेब्यू पर आमिर जमाल ने भी 6 विकेट निकाली, और एक वक्त पर ठीक है नीचे की विकेट जरूर थी, आमिर जमाल स्टार्ट में बहुत पिट रहे थे, स्टार्टिंग मतलब पिट इन टर्म्स की 10 ओवर में आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया उनको पकड़ रहा था कि हम अटैक करेंगे, वो तो बाद में उन्होंने जब दो विकेट लिए उसके बाद आज जाके किए, स्टार्ट में ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया उनको ये देख रहे हैं कि यार इनको अटैक करो, इन पे जाओ, शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा इज्जत दो, बाकी इन पे जाओ। जब वार्नर भी बैटिंग कर रहे थे, मुझे याद है स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे थे, स्टीव स्मिथ भी उन पे चांस दे रहे थे कि मैं कवर पे चार मारता हूं, वैसे पे जाता हूं, बट ठीक है उन्होंने कैद आजम ट्रॉफी में अच्छा किया था, मैंने देखा था उनको तो, और वो वही था ना, देखो कभी कभी क्या होता है कि पाकिस्तान में एज अ फास्ट बॉलर वहां पर अगर आप डेब्यू करें, इवन द ग्रेट वसीम अकरम वो भी जब बैठे थे कमेंट्री बॉक्स में, उन्होंने कहा कि मैं जब पहली बार हुआ तो मेरे को दिखा कि बॉल फ्लाई हो रहा है, पढ़कर अच्छा बाउंस मिल रहा है, तो कभी कभी हम कैरी डेब्यू हो जाते हैं। बट अब वही देखना है, क्योंकि ये भी एक कहानी है ना कि क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान लगातार टेस्ट मैच हारा ही है, बीते कुछ समय में उतना ज्यादा उनको सक्सेस नहीं मिला, उनके पास तो फास्ट बॉलर अच्छे रहते हैं जिनको कंडीशन मदद करेंगी, बट वही होता है कि आप कैरी डेब्यू हो जाते हो। और आमिर जमाल ने कल के लेसन से सीखा, आज सही जगह पर आए, सही एरियाज पर, नो डाउट जो बाद में चाहे पैट कमिंस नेथन लाइन की डिस्टेंस देखो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, बट वो था कि वो सही लेंथ उन्होंने वहां पर पकड़ी और जो रिस्ट्रिक्ट करना था, हालांकि तब भी ऑस्ट्रेलिया ने टोटल अच्छे लगाए, जैसे आपने मिच मार्श जिस पेस पर खेलते हैं तो उनकी स्कोर जो आगे थी वहां पर एलेक्स कैरी के साथ अच्छी पार्टनरशिप हुई, तो वो सब चीजें उनके फेवर में गई। लेकिन इसके बाद जो बल्लेबाजी उन्होंने दिखाया अभी भी है कि पाकिस्तान शायद जिस तरीके से जिस पेस पर वो बल्लेबाजी अभी कर रहे हैं भाई, तो कल पूरा दिन लग सकता है उनको अगर उनको ये टोटल उसके बराबर जाकर थोड़ा लीड की तरफ बढ़ना है, तो वो भी एक चैलेंज रहेगा। एक चीज तो रहेगी क्लियर साफ कि मतलब इमाम को इंडिकेशन दे, बात अलग है, बट शायद उस इंडिकेशन में आप थोड़ा तेज अगर खेलो क्योंकि रन आपको चाहिए तो उनका विकेट भी जा सकता है, क्योंकि उस तरह का आपने देखा कि जब वो तेज खेलने में जाता है कई बार उनके साथ तकलीफ देखने को मिलती है।